अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खैरियत होंगे। और दोस्तों अभी ड्रग्स वाला खाना ले आया हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, कोई आप लोगों का दाना नहीं है इसी वाला से शोर में चाह रहा। रुको जरा बच्चों को खोल दूँ मैं। आज ही एक अंडा आया हुआ है वो देखें। अब इसको हम पकड़ते हैं फिलहाल। कबूतरों को भी पानी डालना नहीं है, पहले मैं तोतों को डाल दूँ। रुको पहले पानी दो अपना। पानी कितना गंदा है, इसको रखते हैं यहाँ पे। अब इनको दाना डालते हैं। इनका दाना ये पड़ा हुआ है। आ जा भी आ जा। खालो खालो, आ गया दाना, आ गया दाना, आ गया दाना, आ गया दाना। खालो हम सारे आएंगे खाने। और मैं कबूतरों को भी पानी डाल देता हूँ। पहले इनका तो पानी था ही नहीं, बाहर निकाल कर रखा हुआ है। इनका पानी डाल दे, उस पौधों को भी पानी डाल दे। ये रहा कबूतरों का पानी। चार खरगोशों को भी खोल देते हैं। चलो भी आ जाओ, आ जाओ बाहर। बस पौधे ना मेरे खराब करना। वही पौधों को भी पानी डाल देता हूँ। और पहले बच्चों की डाइट तो दे दो। ये लो, ये लो अपनी डाइट ले लो। खा लो खा लो, पहले पौधों को पानी डाल लेते हैं। और इधर आ, किधर जा रहा है? यार मैंने पौधों को तो पानी डाल दिया, अब हम कबूतरों को दाना डाल देते हैं। आ जाओ दाना डाल दो तुम लोगों को। भाई नहीं आना, भाई नहीं आना यार। अभी ना कल, हाँ कल, कल ना हम कबूतरों के पर काटेंगे, फिर इनको बाहर भी खोला करेंगे, क्योंकि इनके पर आ गए और ये ना बहुत ही ज़्यादा उड़ते हैं। इसी वजह से कल इनको पर काटेंगे और इनको फिर हम बाहर छोड़ा करेंगे रोजाना। अब राइट डक्स भी हैं, डक्स के साथ छोड़ा करेंगे, वरना दूसरे परिंदे इनको मारते थे तो ये डर के उड़ जाते थे। तो कल इंशाल्लाह। ओए ओए, बातों बातों में कितना ज़्यादा दाना डाल दिया, वापस जा, इतना काफ़ी है। चलो खाओ। हाँ जी, इसको बंद करते हैं। अभी डक का अंडा भी लेते हैं। ये छोटी डक का अंडा है, छोटा सा, इसको फिलहाल यहाँ पर रखते हैं। और अभी ना इनका दाना भी एक्सचेंज करते हैं। पहले इनका पानी निकाल लेते हैं। वैसे इनका दाना पड़ा है, इनका दाना नहीं एक्सचेंज करना, इनका बस पानी एक्सचेंज करना है। तो अभी थोड़ी देर तक इनको पानी दोनों को डालता हूँ मैं। और खरगोशो यहाँ पर ना जाओ, यहाँ पर जम से इधर आ जाओ बाहर, डक्स के इधर बाहर आ जाओ यार, आओ बाहर।
कुछ 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 किधर है, किधर गया ये? ये रहा ये रहा, आ गया भाई। इसको हम बंद करते हैं, अब कोई परिंदा नहीं इसके अंदर जाएगा। और ये देखो माशाल्लाह कितने मजे से खा रहे हैं सारे मिलकर। इनको बहुत ही भूख लगी हुई थी, इनका दाना मेरे ख्याल से रात का ही खत्म है। और डक्स यार अपनी डाइट तो खा लो पहले यार, ये डाइट भी नहीं खा रहे, क्या खाते हैं फिर ये? बस इनका पेट तो फुल हो गया, मुझे लगता खा खू लिया या तो पानी से भर लिया तो खा लिया इन्होंने। और यार मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर किसी ने अभी तक नेस्टिंग या ब्रीड की होगी किसी भी चिड़िया ने। ओए खा लो यार कबूतरों, दाना खा लो। फिर इंशाल्लाह कल इनके पर काटने और इनको फिर भाई को ना करेंगे, क्योंकि भाई इतना दाना गिरा होता है, डक्स तो खाती नहीं है ना, खरगोश खाते हैं, कबूतर ही खा खू के ख़त्म कर देंगे। देखें यहाँ पे भी इतना सारा गिरा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है। ये तो ऐसे जंगली परिंदों के लिए, लेकिन जंगली परिंदे भी दाना नहीं खाते, चिड़िया वगैरह वो बाजरा खाती है। ये काफ़ी देर का रखा है तब का ऐसे ही पड़ा हुआ है। और बाकी यार अभी थोड़ी देर में मैं आपसे मिलता हूँ। सारे सारे अपना खाना खुना खा के आराम से बैठे हुए, इनका पानी भी मैंने रख दिया था तभी। और अब थोड़ी धूप आई है, रात को तो काफ़ी ठंड थी। बाकी यार आज का व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे खत्म। मुझे रखिएगा दुआ में, और अगले दिन अल्लाह हाफिज़।